हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगामी 12 दिसंबर को जयपुर में रैली को लेकर नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित। जीरावल सिरोही नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा राज्यसभा सांसद नीरज जी डांगी के जन्मदिन को लेकर एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सिरोही विधायक संयम जी लोढ़ा को राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त होने पर राजस्थान नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा सिलदर जिला सिरोही में प्रदेश अध्यक्ष देवाराम पुरोहित रेवतर के निर्देश अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष कानाराम मेघवाल की अध्यक्षता में एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हीरालाल पुरोहित सिलदर व जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल मेहरा के नेतृत्व में शनिवार सुबह 10 बजे श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर सिलदर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उस दौरान मुख्य अतिथि राजस्थान नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रदेश अध्यक्ष देवाराम पुरोहित रेवतर, प्रदेश महासचिव भीख सिंह ओपावत दांतराई व इब्राहिम भाई रेवतर थे। उस दौरान देवाराम पुरोहित ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जयपुर जाने का आग्रह किया। वह इब्राहिम भाई ने गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में जानकारी दी। वह आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत दिलाने व ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़कर कांग्रेस की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने को कहा। भीख सिंह ओपावत दांतराई ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है उस समय से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर मोदी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता उसका जवाब आने वाले चुनावों में देगी। उस दौरान नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिला महासचिव हनीफ खान सिरोही, ब्लॉक अध्यक्ष गुमान सिंह, खेत सिंह दहिया, रामपुरा नगर अध्यक्ष काना राम, कान सिंह रावणा राजपूत, सुरेश महेरा, भगवाना राम गर्ग, नारायण लाल भील सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जागरूक टीवी के जीरावल से अमृत प्रजापत की रिपोर्ट।